अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर 17। स्टीफन पी रॉबिन्स की बुक से है, मैनेजर्स एज लीडर्स। मेन पॉइंट्स जो हम कवर करेंगे, डिफाइन लीडर एंड लीडरशिप, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट अर्ली थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, डिस्क्राइब द थ्री मेजर कॉन्टिंजेंसी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, डिस्क्राइब कंटेम्प्रेरी व्यूज ऑफ लीडरशिप, डिस्कस कंटेम्प्रेरी इश्यूज अफेक्टिंग लीडरशिप। स्टार्ट करते हैं, हु आर लीडर्स एंड व्हाट इज लीडरशिप। लीडर्स, लीडर इज समवन हु परसुएड अदर्स एंड हु आर मैनेज हु हैव मैनेजरियल अथॉरिटी। लीडर इज समवन जो लोगों को कायल कर सके एक मकसद के लिए, एंड हु हैव द मैनेजरियल अथॉरिटी कि लोग उसकी बात को सुने भी। लीडरशिप, इट इज व्हाट लीडर्स डू एंड इट इज अ प्रोसेस ऑफ लीडिंग अ ग्रुप एंड इन्फ्लुएंसिंग दैट ग्रुप टू अचीव इट्स गोल्स। मतलब एक ग्रुप को उसने लीड करना है एक प्लान के तहत और एक गोल अचीव करने के लिए। लोगों को इन्फ्लुएंस भी करना है, लोगों को कायल भी करना है, लोगों उसके बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए, उसका बोलचाल, उसका उठना बैठना, उसका वे ऑफ डूइंग थिंग्स इस तरह की होनी चाहिए कि लोग उसे इंस्पायर भी हों और लोग उसकी बात माने। अर्ली लीडरशिप थ्योरीज, लीडरशिप ट्रेट थ्योरीज, जैसे कि नाम में है ट्रेट। Researchers in 1920s and 1930s try to identify characteristics or traits, मतलब specific किस्म के traits के they thought के जो manager है, जो leader है, वो उसके कोई specific traits होंगे, like physical appearance होगी उसकी, या stature होगा उसका, appearance होगी, fluency of speech होगी, emotional stability होगी, social ability होगी, but they failed to identify set of specific traits that will always be found in a leader. मतलब वो एक ऐसा सेट नहीं मखसूस कर सके कोई स्पेसिफिक सा कि जो हर लीडर में पाया जाता। बट लेटर उन्होंने जो खसूसियात लीडर की वो देखी, वो थी, और ये दिस वॉज दिस वॉज द बेटर रिजल्ट। नंबर वन, ड्राइव, दे हैव हाई डिजायर फॉर अचीवमेंट, दे आर एम्बिशियस। डिजायर टू लीड, मतलब वो लीड करना चाहते हैं, हैव पावर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, दे बिल्ड ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप विद फॉलोअर्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, दे आर कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंस, दे आर इंटेलिजेंट, मतलब लीडर्स नीड टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू गैदर एंड इंटरप्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब जितो जो इंफॉर्मेशन है, जैसे आजकल के दौर में सोशल मीडिया है और आपको इंफॉर्मेशन का बहुत ज्यादा फ्लो है, तो आपने उसमें से अपने मर्जी की इंफॉर्मेशन को चूज करना है जो राइट इंफॉर्मेशन है। एंड दे नीड टू क्रिएट विजन्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक करेक्ट डिसीजंस। देन जॉब रेलेवेंट नॉलेज है, एक्सट्रोवर्जन है। एक्सट्रोवर्जन मींस के लीडर्स आर एनर्जेटिक, लाइवली पीपल, दे आर सोशलेबल एंड रेयरली साइलेंट एंड विड्रॉन, मतलब विड्रॉ तो वो करते ही नहीं है। देन लीडरशिप बिहेवियर थ्योरीज, लास्ट कौन सी थी, ट्रेट थ्योरीज, अभी बिहेवियर थ्योरीज हैं। ये डिफरेंट रिसर्च हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा है, आई डोंट नो कि इट्स आयोवा और लोवा, इट्स बट इट लुक्स एज इट्स आयोवा। डेमोक्रेटिक स्टाइल, ही इज अ लीडर हु इन्वॉल्व सबऑर्डिनेट्स, मतलब वो डेमोक्रेसी टाइप का है कि वो सबको साथ लेके चलता है। ऑटोक्रेटिक मतलब आमिराना, ही डिक्टेट्स, डिक्टेटर। वर्क मैथड्स डोंट इन्वॉल्व एनी वन डिसीजन मेकिंग एंड सो मेक यूनिलैटरल डिसीजंस। लेसिस फेयर स्टाइल, इन दिस लीडर मेक ग्रुप्स एंड लेट देम टेक डिसीजंस इन ऑर्डर टू कम्प्लीट द वर्क। इसका कंक्लूजन क्या था जी, कि जो डेमोक्रेटिक स्टाइल था वॉज मोर इफेक्टिव। लेकिन कुछ रिजल्ट ने, कुछ जो रिसर्च थी उसके मिक्स रिजल्ट भी शो हुए। देन ओहियो स्ट्रेट, इसमें इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब जो लीडर है वो अपना और अपने टीममेट्स का रोल डिफाइन कर देता है गोल अचीव करने में। कंसिडरेशन है, हेयर लीडर्स हैव हेल्प ग्रुप मेंबर्स विद देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स, मतलब अगर वो काम कर रहे हैं, अगर वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे तो उसके क्या रीजन है, क्या उनके साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है। तो दे वर सो फ्रेंडली, अप्रोचेबल एंड ट्रीट एवरी ग्रुप मेंबर इक्वली। व्हाट वाज द कंक्लूजन, हाई हाई लीडर, दैट मीन्स के हाई इन इनिशिएटिंग कल्चर एंड हाई इन कंसिडरेशन, मतलब लीडर को इनिशिएटिंग कल्चर में भी
अप टू द मार्क होना चाहिए, बल्कि अबव द मार्क होना चाहिए, और कंसिडरेशन में भी। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एम्प्लॉय ओरिएंटेड, मतलब वो एम्प्लॉयज की केयर करता है, एंड एम्फसाइजिंग ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। देन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, पुट मोर फोकस ऑन टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ जॉब, मतलब जो जॉब बेहतर कर रहा है बस उसके साथ उसका ताल्लुक अच्छा है, इस तरह से। कंक्लूजन क्या है जी इसका, एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडर्स वर सीन विद हायर जॉब सेटिस्फेक्शन एंड हाई ग्रुप प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली एम्प्लॉय उसी के साथ खुश होंगे। देन मैनेजरियल ग्रेड, कंसर्न फॉर पीपल, मेजर लीडर्स कंसर्न फॉर सॉरी मेजर लीडर कंसर्न फॉर ग्रुप मेंबर्स, कि वो ग्रुप मेंबर्स का कितना ख्याल करता है, ऑन द ग्रुप ऑफ 1 to 9, एक स्केल है 1 to 9, 1 फॉर द लोअर एंड 9 फॉर द हायर। सेकेंड इज कंसर्न फॉर प्रोडक्टिविटी, मेजर लीडर्स कंसर्न फॉर गेटिंग जॉब डन, कि मतलब वो लोगों से काम भी लेगा, और ये भी स्केल आपने लेना है 1 to 9 का, 1 फॉर लो एंड 9 फॉर हायर। कंक्लूजन क्या था, लीडर्स परफॉर्म बेस्ट विद 9-9 स्टाइल, मतलब उसको लोगों का ख्याल भी होना चाहिए विद 9, एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी भी होनी चाहिए विद 9। सो दिस वाज द सेकंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट इज कॉन्टिजेंसी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप 17.3। देर आर थ्री कॉन्टिजेंसी थ्योरीज विच आर द फील्डलर मॉडल, हेल्से एंड ब्लैंचर्ड्स सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, और पाथ गोल मॉडल। ईच वन फोकस ऑन इफ दिस इज द सिचुएशन देन दिस इज द बेस्ट लीडरशिप स्टाइल। कॉन्टिजेंसी कहते भी इसी को ही है, कि एक स्टाइल हर सिचुएशन में नहीं, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता। The Fiedler's model. Fred Fiedler presented the first comprehensive contingency model for leadership. There are two pillars on the basis of which Fiedler's model stands, and there are leadership style number one, second situation that gives control to the leader. मतलब situations जिनमें वो leader को अपनी सलाहियतें दिखाने की मदद करे, उसमें जिसमें leader अपनी सलाहियतें दिखा सके। Measuring leadership style, leadership style may be task oriented or relationship oriented. ये दो उसके pillars थे। It may be task oriented, मतलब इसका जो major focus था वो इन दो चीजों के ऊपर था। Then उसने इन दोनों चीजों को measure करने का, मतलब ये task oriented है leader या leader relationship oriented है, उसके लिए उसने एक scale या उसने एक questionnaire तैयार किया, least preferred co-worker. LPC questionnaire. This LPC questionnaire was developed by Fiedler to measure the leadership style. It contained 18 pairs of contrasting adjectives. For example, pleasant versus unpleasant, boring versus interesting, friendly versus unfriendly, cold versus warm. 18 participants were asked to think of their past और करंट कोवर्कर्स एंड रेट देम ऑन द स्केल ऑफ 1 to 8। अब इसने लोगों से कहा कि आप, उसने क्वेश्चनर पकड़ा दिया, उसके ऊपर 18 क्वेश्चन थे, एडजेक्टिव्स थे इसी तरह के, प्लेजेंट वर्सेस अनप्लेजेंट, बोरिंग वर्सेस इंटरेस्टिंग। तो उन्होंने अपने अभी के कोवर्कर्स और जो उसके साथ पहले कोवर्कर्स जो उसके साथ काम कर चुके हैं उनके बारे में उनको याद करना था और उनको रेट करना था ऑन द स्केल। 8 मीन्स पॉजिटिव, मतलब अगर उसने 8 रेट किया है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपने साथ अपने कलीग को 8 रेट करता हूं, तो इसका मतलब है कि मैंने, मेरे साथ उसकी अच्छी मेमोरीज हैं, मुझे उसके साथ काम करके मजा आया। एंड 1 पोज फॉर द नेगेटिव एडजेक्टिव। अब इसके रिजल्ट्स क्या है, इफ द रिस्पोंडेंट और लीडर रेट द लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर विद पॉजिटिव नंबर ऑन द स्केल, मतलब अगर उसने 8 को रेट किया, दैट मींस लीडर और रिस्पोंडेंट इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग गुड रिलेशनशिप्स, मतलब उसको मजा आया काम करके, वो चाहता है कि मजीद भी काम करे या इस तरह से, विद हिज कोवर्कर एंड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज रिलेशनशिप ओरिएंटेड। नेक्स्ट, इफ द रिप्रेजेंटेड रिस्पोंडेंट और लीडर रेट द लीस्ट प्रेफर्ड वर्कर कोवर्कर विद अ नेगेटिव नंबर, दैट मीन्स 1, इसका मतलब है कि लीडर और रिस्पोंडेंट इज टास्क ओरिएंटेड। 1 या मतलब उससे
आप कहें कि 3 तक भी जो है ना वो लीस्ट ही आएगा उसमें। नेक्स्ट, वंस लीडरशिप स्टाइल इज डिटरमाइंड, नाउ इज द टाइम टू डिस्कस एंड असेस द सिचुएशन इन ऑर्डर टू मैच द लीडर विद द सिचुएशन। फीडर डिस्क्राइब 3 कॉन्टिजेंसी डायमेंशंस दैट आर की डिफाइनिंग सिचुएशनल फैक्टर्स इन लीडरशिप, इन लीडर इफेक्टिवनेस, कि लीडर किन सिचुएशन में इफेक्टिव होगा। लीडर मेंबर रिलेशनशिप्स कैसा है, टू विच एक्सटेंट मेंबर्स हैव ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर द लीडर। टास्क स्ट्रक्चर कैसा है जी, टू विच एक्सटेंट वर्क और जॉब इज फॉर्मलाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड, मतलब सबको पता है कि उन्होंने क्या काम करना है और किस टाइम पे करना है, किस पैटर्न पे करना है। पोजिशन पावर, हाउ मच अथॉरिटी कितनी है उसके पास, लीडर के पास, इन टर्म्स ऑफ हायरिंग और फायरिंग, डिसिप्लिन, प्रोमोशन एंड इंक्रीमेंट्स एटसेट्रा। Each of these leadership situations were evaluated on the basis of these 3 contingency variables, which produced 8 possible situations upon combining with each other. These 8 situations were favorable or unfavorable for the leaders. Table में देख लेते हैं, यहां से बेहतर तौर पर समझ आ जाएगा। इसमें ये वर्टिकल साइड पे तो परफॉर्मेंस आ जाएगी, इस पे मैयर आपने क्या करना है कि लीडर जो है वो टास्क ओरिएंटेड है या लीडरशिप और सॉरी रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, और हॉरिजॉन्टल में आपके पास ये सिचुएशंस, लीडर मेंबर रिलेशनशिप्स कैसा है, टास्क स्ट्रक्चर है या पोजीशन पावर है, मतलब फर्स्ट उसने यहां तक उसने क्या किया, नंबर 1 में उसने लीडर मेंबर रिलेशनशिप इज गुड, टास्क स्ट्रक्चर इज हाई, पोजीशन पावर इज स्ट्रांग। तो यहां पे जो टास्क ओरिएंटेड लीडर है वो ज्यादा फेवरेबल है, वो ज्यादा हाईली फेवरेबल, और जो आपका रिलेशनशिप ओरिएंटेड है वो इतना फेवरेबल नहीं है, बल्कि नहीं है, लीस्ट फेवरेबल है ये। इसी तरह से अगर आप यहां पे आते हैं तो यहां पे लीडर मेंबर रिलेशनशिप इज गुड, टास्क स्ट्रक्चर इज लो एंड पोजीशन पावर इज स्ट्रांग, ठीक है, तो ये तकरीबन यहां पे कहीं हिट करता है आके इस जगह पे, तो यहां पे तकरीबन आप कहेंगे एवरेज है दोनों का। सेम गोज विद यहां पे भी, अगर ये वाला आप देखें ये वाला पॉइंट, तो यहां पे रिलेशनशिप ओरिएंटेड जो है वो ज्यादा फेवरेबल है। गुड, लो, वीक, देन यहां पे लीडर मेंबर रिलेशनशिप पुअर है, टास्क स्ट्रक्चर हाई है, तो ये 8 डिफरेंट सिचुएशन बन गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये जो पिक्चर थी ये मैंने पूरी आपकी बुक से ही कॉपी कर ली थी। अगर आप लास्ट में चले जाएं यहां पे, इसको भी देख लेते हैं, लीडर मेंबर रिलेशनशिप्स अगर आपके पुअर हैं, आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, और अगर आपका टास्क स्ट्रक्चर इज लो, अगर लो है और पोजीशन पावर आपकी वीक है, तो भी टास्क ओरिएंटेड है, ये स्टाइल ज्यादा इफेक्टिव होगा। He studied 1200 groups where he compared task oriented leaders versus relationship oriented leaders in each of 8 different situations. Results show that task oriented performed better in favorable and highly unfavorable conditions. जैसे ये highly, पहली तीन उसने highly कर दी, अगली तीन moderate और then highly unfavorable. तो task oriented ने पहले तीनों में अच्छा परफॉर्म किया, देन हाईली अनफेवरेबल जो आखिरी दो थे उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया, जो रिलेशनशिप है उसने मॉडरेट सिचुएशंस में अच्छा परफॉर्म किया उसने। ये देखिए, रिजल्ट शो दैट टास्क ओरिएंटेड परफॉर्म्ड बेटर इन इन फेवरेबल एंड हाईली अनफेवरेबल सिचुएशंस, वेयर रिलेशनशिप ओरिएंटेड परफॉर्म्ड वेल इन मॉडरेट फेवरेबल सिचुएशंस। How to improve leader effectiveness? अब इसको improve कैसे किया जाए? Keep in mind that Fiedler take the individual's leadership style as fixed. उसने styles को fix लिया था जो कि ऐसा होता नहीं है reality में. So in order to improve the leader effectiveness, there are 2 options available.
ईदर टू चेंज द लीडर, या तो आप लीडर को चेंज कर दें उस सिचुएशन में और टू चेंज द सिचुएशन। अब ये दोनों चीजें भी इतनी खास कोई इफेक्टिव नहीं है या पॉसिबल नहीं है। विच कैन बी डन बाई रिस्ट्रक्चरिंग, ये ऐसा हो सकता है लेकिन उसके लिए आपको पूरा रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज और डिक्रीज इन लीडर लीडर्स पावर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज सैलरीज इंक्रीमेंट्स प्रमोशन एटसेट्रा। क्रिटिसिज्म इसके ऊपर क्या था, इस थ्योरी के ऊपर, वन मेजर क्रिटिसिज्म वाज टू अज्यूम द इंडिविजुअल लीडरशिप स्टाइल एज फिक्स्ड। तो ये तो क्रिटिसिज्म है, बिल्कुल है इफेक्ट, क्योंकि किसी भी इंसान का जो स्टाइल है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहता, वो सेम नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। इंसान चीजें सीखता है तो वो अपने आप को चेंज करता है, इंप्रूव करता है। इफेक्टिव लीडर्स डू चेंज देयर लीडरशिप स्टाइल्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सेकेंड क्रिटिसिज्म वॉज एलपीसी वॉज नॉट वेरी प्रैक्टिकल, एलपीसी वॉज नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि सिर्फ यही सिचुएशन तो नहीं हो सकती ना, सिचुएशन और भी हो सकती हैं। थर्ड वॉज सिचुएशन वेरिएबल वर डिफिकल्ट टू असेस, कि आप सिचुएशन के जो वेरिएबल्स हैं वो भी असेस नहीं कर सकते। सो दिस वॉज द फीडलर्स थ्योरी। इसके जो नोट्स हैं वो आपको www.shortnotes.net के ऊपर ये मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं। नेक्स्ट कॉन्टिजेंसी थ्योरी इज हर्से एंड ब्लैंचर्ड्स सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, SLT, सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी डेवलप्ड बाय हर्से एंड ब्लैंचर्ड। अच्छा, ये ब्लैंकर्ड भी हो सकता है, आई डोंट नो कि अब इसको कैसे प्रोनाउंस करना है। गेन्ड स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग अमंग मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, मतलब दिस वॉज हाईली अप्रिशिएटेड। दिस थ्योरी फोकसेज ऑन फॉलोअर्स एंड फॉलोअर्स रेडीनेस। नाउ द पॉइंट इज वाई दिस थ्योरी फोकसेज ऑन फॉलोअर्स, फॉलोअर्स को क्यों फोकस किया गया, इट इज बिकॉज दे आर फॉलोअर्स हु एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ लीडर, बिल्कुल ठीक है। एंड रेडीनेस इज डिस्क्राइब एज विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ फॉलोअर्स टू अकम्प्लिश द डिफाइंड टास्क। SLT also uses the same dimensions as used by Fiedler, that is task oriented or relationship oriented. Four specific leadership styles described as, मतलब इसके मुताबिक styles कैसे हो सकते हैं जी, telling, high task, low relationship. In this leadership style, leaders define roles and tell people when, what, how and where to do various tasks. Then, मतलब इसमें telling में लीडर ने ही बताना है कि यार क्या करना है। सेलिंग, हाई टास्क हाई रिलेशनशिप, इन सेलिंग एज लीडर्स स्टाइल इज बोथ हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप, सो ही गिव्स डायरेक्शंस एंड शो सपोर्टिंग बिहेवियर, सपोर्ट भी करता साथ साथ, ये मिक्स मैच है। पार्टिसिपेटिंग, लो टास्क हाई रिलेशनशिप, लीडर्स प्ले रोल इन फैसिलिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, हियर लीडर्स एंड फॉलोअर्स शेयर इन डिसीजन मेकिंग। देन डेलीगेटिंग आ जाता है, लो टास्क लो रिलेशनशिप, हियर लीडर्स आर लेस सपोर्टिव एंड प्रोवाइड्स लिटल डायरेक्शन टू देयर फॉलोअर्स। अब फोर स्टेजेस ऑफ रेडीनेस। R1 में पीपल आर नीदर विलिंग नॉर एबल टू डू द सेड और रिक्वायर्ड टास्क, मतलब वो ना तो विलिंग है ना उनका दिल कर रहा है काम करने को और ना ही उनके पास स्किल्स हैं। That means followers are not motivated and don't possess the required skills for performing the job. R2, people are willing, people वो लोग काम करना चाहते हैं but unable to do necessary task. इसका मतलब है कि they are willing, they are motivated, लेकिन skilled नहीं है। R3, people are able but not willing. अब skills हैं but motivated but motivation नहीं है। R4, here in this stage people possess the required skills and are willing to do what is asked of them. ye theek hai, matlab motivated bhi hain aur unke paas skills bhi hain. if followers are at R1, then leader should adopt the telling style and give them clear direction regarding what is expected. R1 mein kya tha ki na to wo willing the aur na hi wo bhai sahab kaam karna chahte the, नॉट विलिंग और उनके पास एबल टू डू, ना ही उनके पास स्किल्स थे। R2 में लीडर्स नीड टू यूज सेलिंग स्टाइल एंड शो देम हाई टास्क ओरिएंटेड टू कंपनसेट फॉलोअर्स हु लैक एबिलिटीज, मतलब क्योंकि ये सपोर्टिव सा लीडर है यहाँ पे और लोग भी काम करना चाह रहे हैं तो इसलिए उनको सपोर्ट चाहिए उन्हें।
इफ फॉलोअर्स आर आर एट थ्री, लीडर्स शुड अडॉप्ट द पार्टिसिपेटिंग स्टाइल टू गेन फॉलोअर्स सपोर्ट. आर थ्री पीपल, आर थ्री में क्या था, पीपल आर एबल बट नॉट विलिंग, इसका मतलब स्किल्स नहीं है. तो स्किल्स नहीं है, स्किल्स तो अडॉप्ट किए जा सकते हैं ना, स्किल्स सिखाए जा सकते हैं. तो इफ फॉलोअर्स आर एट आर थ्री शुड अडॉप्ट द पार्टिसिपेटिंग स्टाइल टू गेन फॉलोअर सपोर्ट, पार्टिसिपेट करे साथ. एंड इफ फॉलोअर्स आर एट आर फोर, मतलब ये तो टेंशन ही नहीं है लीडर को, लोग काम करना चाह भी रहे हैं और उनके पास स्किल्स भी हैं. लीडर्स नीड टू बी डेलीगेटेड एंड डजंट नीड टू डू मच. दिस वॉज इट जी, ये आपका जो सेकेंड थ्योरी है ये भी कंप्लीट हो गई यहां पे. द थर्ड कॉन्टिजेंसी थ्योरी इज पास्ट गोल मॉडल. पास्ट गोल थ्योरी इज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट हाउस. इट स्टेट्स दैट लीडर इज सपोज टू असिस्ट, सपोर्ट एंड गिव डायरेक्शन टू देयर फॉलोअर्स सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल्स एंड कैन अलाइन देयर गोल्स विद द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इसके मुताबिक जो लीडर है उसको असिस्ट करना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए और डायरेक्शंस देने चाहिए अपने फॉलोअर्स को, ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं या जो उसके सबऑर्डिनेट्स उसके साथ काम कर रहे हैं उनके अपने पर्सनल गोल्स, उनके जो अपने गोल्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अलाइन होके तो एक स्टेप फॉरवर्ड हुआ जाए. पाथ गोल इज डराइव्ड फ्रॉम लीडर रिमूव हिंड्रेंसेस फ्रॉम पाथ एंड क्लियर देयर वे टू सक्सेस, मतलब उसके जो सब ऑर्डिनेट्स हैं या जो कलीग्स हैं उनको जो मुश्किलात पेश आ रही हैं वो उनको रिमूव करें ताकि आगे बढ़ा जाए. फोर लीडरशिप बिहेवियर्स आर डायरेक्टिव लीडर गिव्स डायरेक्शन टू देयर सब ऑर्डिनेट्स, सेट देयर टारगेट्स एंड गाइड देम हाउ टू अचीव दोज टारगेट्स. सपोर्टिव लीडर, सपोर्टिव लीडर इज अ फ्रेंडली एंड शो कंसर्न फॉर द नीड्स ऑफ सब ऑर्डिनेट्स और फॉलोअर्स. पार्टिसिपेटिव लीडर, ही टेक्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम हिज सब ऑर्डिनेट्स एंड फॉलोअर्स इन द डिसीजन मेकिंग, इससे जो आपके सब ऑर्डिनेट्स हैं वो बल्कि ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं. अचीवमेंट ओरिएंटेड, दिस टाइप ऑफ लीडर्स सेट टारगेट्स फॉर देयर फॉलोअर्स एंड एक्सपेक्ट फ्रॉम देम दैट दे विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट इन अचीविंग देयर टारगेट्स और गोल्स. नेक्स्ट, ये जो डायग्राम है ये मैंने आपकी बुक से ही ले ली थी. इसमें चार वेरिएबल्स हैं, एनवायरनमेंट कॉन्टिजेंसी फैक्टर्स कि टास्क स्ट्रक्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम है, वर्क ग्रुप्स कैसे हैं, आउटकम्स क्या आता है जी, परफॉर्मेंस मतलब क्या एक्सपेक्ट की जाती है, परफॉर्मेंस है, सेटिस्फेक्शन है. सबऑर्डिनेट कॉन्टिजेंसी फैक्टर, लोकस ऑफ कंट्रोल कैसा है. लोकस ऑफ कंट्रोल मीन्स के जो कुछ हो रहा है वो मेरी अपनी मर्जी से हो रहा है, मतलब मेरे किए का जो है ना वो उसका है. अगर मैं सक्सेसफुल हूँ तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, अगर मैं उसका फेल हूँ तो उसका फेलियर भी मेरा है. ठीक है, इसमें दो चीज़ें आती हैं, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल आता है और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल आता है. इंटरनल में वो सब कुछ अपने आप को जिम्मेदार ठहराता है और एक्सटर्नल में बाहर वाले फैक्टर्स को. एक्सपीरियंस, देन परसीव्ड एबिलिटी कैसी है उनकी सबऑर्डिनेट्स की, स्किल्स वगैरह. लीडरशिप बिहेवियर डायरेक्टिव है, सपोर्टिव है, पार्टिसिपेटिव है या अचीवमेंट ओरिएंटेड है. अबव डायग्राम शोज सिचुएशनल और कॉन्टिजेंसी वेरिएबल्स दैट मॉडरेट लीडरशिप बिहेवियर. एनवायरमेंटल फैक्टर्स डिटरमिन द टाइप ऑफ लीडर बिहेवियर इफ सबऑर्डिनेट्स आउटकम्स आर टू बी मैक्सिमाइज्ड. एनवायरमेंटल फैक्टर्स लीडर के बिहेवियर को डिटरमिन करते हैं इफ सबऑर्डिनेट्स आउटकम्स आर टू बी मैक्सिमाइज्ड, अगर सबऑर्डिनेट का जो आउटकम है, जो काम की परफॉर्मेंस है उसे मैक्सिमाइज करना है तो. एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉलोअर और सबऑर्डिनेट डिटरमिन्स हाउ द एनवायरमेंट एंड लीडर्स बिहेवियर इज इंटरप्रेटेड, मतलब आप एनी एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स सॉरी ये क्लिक नहीं हो रहा एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉलोअर्स एंड सबऑर्डिनेट्स कि उनका जो अपना पर्सनल उनके जो खसूसियात हैं वो काम कैसे करते हैं, अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनके स्किल्स कैसे हैं या वो मोटिवेटेड हैं या नहीं है, दे डिटरमिन हाउ एनवायरमेंटल एंड लीडर्स बिहेवियर इज इंटरप्रेटेड. इट सिंपली प्रपोजेज द बिहेवियर ऑफ लीडर won't be affected if it's not useful or matching with the environmental structure or is dissimilar with the following characteristics. इसका मतलब ये है कि बिहेवियर जो लीडर का बिहेवियर है वो इफेक्ट नहीं होगा अगर
इट्स नॉट यूजेबल यूजफुल और मैचिंग विद द एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर, या डिसिमिलर है फॉलोअर के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ. सम प्रिडिक्शंस फ्रॉम द पाथ गोल थ्योरी आर डायरेक्टिव लीडरशिप इज बेस्ट ऑप्शन व्हेन टास्क्स आर नॉट फुली स्ट्रक्चर्ड और एम्बिगुअस. अगर टास्क स्ट्रक्चर्ड नहीं है या उनमें कोई कंफ्यूजन है एंड फॉलोअर्स डोंट नो व्हाट टू डू, इन दिस सिचुएशन लीडर इज सपोज टू गिव देम डायरेक्शंस. देन सपोर्टिव लीडर गिव बेस्ट रिजल्ट्स व्हेन स्ट्रक्चर इज व्हेन टास्क स्ट्रक्चर्ड एंड फॉलोअर्स नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू. मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर टास्क भी स्ट्रक्चर्ड है और जो फॉलोअर्स हैं उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है. दे जस्ट नीड लिटिल सपोर्ट फ्रॉम देयर लीडर एंड दिस सपोर्ट रिजल्ट्स इन हाई एम्प्लॉय परफॉर्मेंस. व्हेन देयर इज डायरेक्टिव लीडर इट इज ऑफन परसीव्ड दैट सॉरी एज नॉट मच ऑफ यूज ऑफ अमंग कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड कैपेबल फॉलोअर्स एज फॉलोअर्स आर कैपेबल ऑफ सो ऑफ एज फॉलोअर्स आर केपेबल ऑफ. यहाँ पे कोमा आता है. सो दे डोंट नीड एनी डायरेक्शन फ्रॉम द लीडर. अगर आपके जो फॉलोअर्स और सबऑर्डिनेट्स हैं वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं और केपेबल हैं, उनकी एक्सपर्टीज हैं काम करने की, तो उस टाइम पे ये डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा. एज फॉलोअर्स आर केपेबल ऑफ, यहाँ पे कोमा है सॉरी मेरे से मिस हो गया, सो दे डोंट नीड एनी डायरेक्शन फ्रॉम द लीडर. In most of the organizations, tasks are often structured. लोगों को पता होता है उन्होंने क्या करना है और it is clear what is expected from the followers. So leaders should be supportive rather than directive. And directive leadership is discouraged. वहाँ पे directions देना जो है वो discourage किया जाता है. Directive leadership style is not accepted. When there is considerable conflict among group members, अगर conflict है group members के दरमियान, then there is need of someone to take charge. In this situation, director का जो leader है उसके directive role होना चाहिए. Will play important role in result high employee satisfaction. वहाँ पे आप अगर आप directive role play करेंगे तो आप high performance expect कर सकते हैं. Subordinates with internal locus of control will be more satisfied when leaders participative. As they believe they are responsible for their success, so they don't need any direction from the leader. वो ऐसे subordinates जो internal locus of control का ख्याल रखते हैं, मतलब internal locus of control means कि वो अच्छा बुरा सब कुछ जिम्मेदार अपने आप को ठहराते हैं, तो ऐसे मौके पे जो leader है it should be supportive, ठीक है, उसको participative, क्योंकि क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज के अपने किए के, सो दे डोंट नीड एनी डायरेक्शन फ्रॉम द लीडर्स. इसी का ऑपोजिट है कि अगर सबऑर्डिनेट्स विद एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल विल बी मोर सेटिस्फाइड व्हेन लीडर इज डायरेक्टिव एज दे बिलीव रिजल्ट्स आर डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स सो दे नीड डायरेक्शन. व्हेन टास्क आर एम्बिग्यूस, अगर टास्क एम्बिग्यूस हैं, then achievement oriented leaders increase subordinates expectations that effort will lead to high performance. matlab ambiguous task structured ki surat mein achievement oriented leaders hone chahiye by setting challenging goals and subordinates know what is expected of them. matlab unhe aap challenging goals dein taki jo aapke subordinates hain wo effort put kare aur wo acha kaam karke dikhaye aur jo organizational goal hai wo bhi accomplish ho sake. यहाँ पे आपकी पार्थ गोल मॉडल वो भी कंप्लीट हो जाता है. 9.4 इज कंटेम्प्रेरी व्यूज ऑफ लीडरशिप. ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें वन बाय वन देख लेते हैं. लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी. एवरीवन ऑफ यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड इन रूटीन लाइफ व्हेन यू आर अ ग्रुप मेंबर और इवन इन लीडर्स रोल लीडर्स हैव फेवरेट्स. बेशक आप किसी टीम के लीडर हैं या किसी टीम के मेंबर हैं, तो हर टीम में जो लीडर होता है उसके कोई ना कोई फेवरेट्स होते हैं. दे आर कॉल्ड एज इन ग्रुप्स. दीज इन ग्रुप्स विल हैव हायर परफॉर्मेंस, लेस टर्नओवर, ग्रेटर जॉब सेटिस्फेक्शन. टर्नओवर का मतलब होता है जॉब छोड़ के चले जाना, रिजाइन कर लेना, रेजिग्नेशन ले लेना,
ले ऑफ कर देना। द सिलेक्शन ऑफ फेवरेट्स कैन बी ऑन डिफरेंट बेसिस, ये डिफरेंट बेसिस पे हो सकती है। इट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक्स, लैंग्वेजेस, जेंडर, परफॉर्मेंस एटसेट्रा। इन सिंपल वर्ड्स, लीडर्स चूज करते हैं, लेकिन किस बेस पे? फॉलोअर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। लीडर्स डू रिवॉर्ड इन ग्रुप्स, लीडर्स इन ग्रुप्स को रिवॉर्ड भी करते हैं अपॉन देयर बेस्ट परफॉर्मेंस टू मोटिवेट देम। बोथ द लीडर्स एंड द फॉलोअर्स नीड टू इन्वेस्ट इन द रिलेशनशिप। ऑब्वियसली दोनों को रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना पड़ता है। लीडर रिवॉर्ड देता है और जो इन ग्रुप जो मेंबर है वो उसने अच्छी परफॉर्मेंस उसको इम्प्रेस करना है। एंड इट इज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व दैट लीडर्स इन्वेस्ट देयर टाइम एंड रिसोर्सेज इन दोज हुम दे एक्सपेक्ट विल परफॉर्म बेस्ट। नेक्स्ट इज आउट ग्रुप्स। आउट ग्रुप्स कौन होते हैं जी? दे आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ अ ग्रुप, ये एक ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं हुज परफॉर्मेंस डोंट मैच, जो थोड़े से वीक होते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो एक सर्टेन लेवल को मीट नहीं करती। एंड डोंट शो इन्वॉल्वमेंट इन एनी ग्रुप एक्टिविटीज। अदर ग्रुप मेंबर्स थिंक दैट डिस्कसिंग समथिंग विद आउट ग्रुप मेंबर इज द वेस्टेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल लीडर्स आर दोज हु लीड बाय प्राइमरीली बाय यूजिंग सोशल एक्सचेंजेस और ट्रांजैक्शंस। दे गाइड और मोटिवेट फॉलोअर्स टू अचीव एस्टैब्लिश्ड गोल्स बाय एक्सचेंजिंग रिवॉर्ड्स फॉर देयर प्रोडक्टिविटी। मतलब अगर उनके फॉलोअर्स काम करेंगे तो उनको रिवॉर्ड देते हैं या रिवॉर्ड दे के उनसे काम लेते हैं ताकि उनका जो गोल है उसको अचीव किया जा सके। बट वॉट डू ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स डू? दे फोकस ऑन द कंसर्न्स एंड डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल फॉलोअर्स। दे चेंज फॉलोअर्स अवेयरनेस ऑफ द असेसिंग इशूज, के इशूज जो एग्जिस्ट कर रहे हैं कंपनी में उनको असेस कैसे करना है, मतलब न्यू न्यू आइडियाज कैसे जनरेट करते हैं, मतलब एक इशू आया है तो उसको एक नई तरह से कैसे देखना है। बाय हेल्पिंग दोज देम टू लुक एट ओल्ड प्रॉब्लम्स, मतलब जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसको नई तरीके से कैसे देखना है, सो दैट दे बिकम एक्साइटिंग। मतलब उनको ऑब्वियसली जब उनके पास एक नए तरीके आएंगे देखने से तो वो काम में एक्साइटमेंट भी आएगी थोड़ी सी। मोर अराउज्ड एंड पुट एक्स्ट्रा एफर्ट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो यहाँ पे बाय हेल्पिंग देम है, दोज नहीं आता दरमियान में। दे चेंज फॉलो द अवेयरनेस अवेयरनेस ऑफ असेसिंग इश्यूज बाय हेल्पिंग देम। इसको मैं एडिट कर दूंगा। नेक्स्ट, बोथ ऑफ दीज अप्रोचेज आर नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर, मतलब ये ट्रांजेक्शनल और जो ट्रांसफॉर्मेशनल है ये ऑपोजिट नहीं है एक दूसरे के साथ, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर डिवेलप्स फ्रॉम द ट्रांजेक्शनल लीडर। ट्रांजेक्शनल लीडर से ही ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर निकलता है। एविडेंसेस शो दैट ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच इज मोर कैरिस्मेटिक बिकॉज दे इनेबल द फॉलोअर्स टू क्वेश्चन द एस्टैब्लिश्ड व्यूज, क्योंकि उसने फॉलोअर्स को इनेबल कर दिया है, उनको मतलब एक नया तरीका सिखाया है काम करने का कि काम कैसे करना है। एंड सो नाउ दे हैव द राइट टू क्वेश्चन, मतलब एक तो राइट है उनके पास क्वेश्चन करने का, सेकेंडली उनके पास अब इतना नॉलेज और इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि वो जो एग्जिस्टिंग व्यूज हैं उनको क्वेश्चन कर सकते हैं। इवन वो व्यूज भी जो उनका जो लीडर है उसने उसके हैं, लीडर्स के व्यू को भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स आर स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड विद हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लोएस्ट टर्नओवर, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, फॉलोअर वेलबींग, गोल अटेनमेंट, क्रिएटिविटी, स्पेशली इन स्टार्टअप फॉर्म्स। नेक्स्ट इज कैरिस्मेटिक विजनरी लीडरशिप। अ कैरिस्मेटिक लीडर इज एंथुसियास्टिक एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट, मतलब वो उसमें एंथुसियाज्म भी होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंट भी होता है। हुज पर्सनैलिटी एंड एक्शंस इन्फ्लुएंस पीपल टू बिहेव इन अ सर्टन वे। सेवरल ऑथर्स हैव ट्राइड टू आइडेंटिफाई पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरिस्मेटिक लीडर, जिसमें से पांच कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दे हैव अ विजन, उनका एक विजन होता है। दे हैव द एबिलिटी टू आर्टिकुलेट दैट विजन। आर्टिकुलेट मतलब प्रेजेंट दैट विजन, जो उनका विजन है उसको प्रेजेंट करें कि लोग उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। आर रेडीनेस और विलिंगनेस टू टेक रिस्क टू अचीव दैट विजन।
सेंसिटिविटी टू बोथ फॉलोअर नीड्स एंड एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स बिहेवियर्स विच आर आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, मतलब वो बिहेवियर जो आम आम नहीं आम लोगों में नहीं पाए जाते, उसका इस तरह का बिहेवियर होता है. कैरिस्मेटिक लीडरशिप इज डायरेक्टली रिलेटेड विद हाई परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन अमंग फॉलोअर्स. सम स्टडीज हैव शोन दैट देर इज नो इम्पैक्ट ऑफ कैरिस्मेटिक लीडर्स ऑन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस बट स्टिल इट इज मोर डिजायरेबल स्टाइल. ये मैंने ऑलरेडी काफी इजी कल के लिखा हुआ है. सम सेज कैरिस्मेटिक लीडर्स कैरिज्मा कैन नॉट बी लर्नड बट मोस्ट बिलीव दैट इंडिविजुअल कैन बी ट्रेन्ड, मतलब ये सीखा नहीं जा सकता लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मुताबिक कुछ चीज़ें जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सीखे जा सकते हैं. कैरिस्मेटिक लीडर माइट नॉट ऑलवेज बी यूज्ड टू अचीव हाई परफॉर्मेंस. अब ज़रूरी नहीं है कि जो फर्म हाई परफॉर्मेंस चाह रही है वहाँ पे कैरिस्मेटिक लीडर को अपॉइंट किया जाए, बट इट मे बी मोस्ट सूटेबल स्टाइल व्हेन फॉलोअर्स हैव आइडियोलॉजिकल पर्पस और अनसर्टेनिटी एंड स्ट्रेस इन द एनवायरमेंट. नेक्स्ट विजन. विजन इज नॉट अ मस्ट हैव कैरेक्टरिस्टिक इन द कैरिस्मेटिक लीडरशिप, मतलब कोई भी लीडर जो कैरिस्मेटिक है वो उसमें उसका विजनरी होना जरूरी नहीं है. विजनरी लीडरशिप इज डिफरेंट. इट्स द एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट अ अट्रैक्टिव क्रेडिबल एंड रियलिस्टिक विजन ऑफ द फ्यूचर. इफ दिस विजन इज सिलेक्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड इज सो एनर्जाइजिंग दैट इन फैक्ट जंप स्टार्ट कहते हैं, जैसे जब गाड़ी अगर फॉर एग्जाम्पल इवन कभी कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो वो जंपर्स के साथ गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, तो जंप स्टार्ट्स मतलब वो बूस्टर मिलता है एक कंपनी को फ्यूचर के लिए बाय इफेक्टिवली इन्वॉल्विंग स्किल्स टैलेंट्स एंड रिसोर्सेज टू मेक इट हैपन. मतलब एक विजन अगर इतना अच्छा है जो कंपनी को बहुत आगे लेके जा सकता है, एक कंपनी को एक पर्पज मिल जाता है लाइवली रहने का. विजन शुड बी क्लियर and it should be able to look at new possibilities, मतलब नई possibilities तो market में आती रहती हैं वैसे, which are unique and offer new ways of doing task and are clearly better for the organization and its members. The last contemporary view of the leadership is team leadership. The role of the leader in team is becoming more important. The role of a team leader is different than the traditional leader. How to become an effective team leader is a big challenge for managers. They have to learn patiently sharing information, trust others, know when to leave the team alone and when to get involved. इसको ये last point है इसको explain किया गया है यहाँ पे. New leaders may leave their team when they need them. मतलब जो नया leader है वो हो सकता है कि जिस time पे उसकी team को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है तो वो उसे छोड़ दे. And get involved when team members want autonomy, मतलब कुछ टाइम ऐसा होता है कि जब टीम members के पास या तो sufficient information होती है या sufficient skills होते हैं और वो चाह रहे होते हैं कि हम खुद कुछ काम करें, तो उस टाइम पे अगर वो टीम अगर जो लीडर है वो ओवर इन्वॉल्वमेंट शो करेगा तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी. द रोल ऑफ लीडरशिप इज टू कोच फेसिलिटेट हैंडलिंग डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स रिव्यूइंग टीम and individual performance, training and communication. In a more meaningful way, leader's role can be described as managing team's external boundary, मतलब उसकी external boundary क्या है, and facilitating the team process. नीचे एक diagram है. डायग्राम में भी ये चीजें हैं. टीम लीडर रोल्स कोचिंग लाइजॉन विद द एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. इसका मतलब ये है कि मतलब आपकी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन आपने कलेक्ट करनी है ताकि आप जॉब को सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, उसको जॉब को कंप्लीट कर सकें एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ मिलके. मतलब अगर आपको बाहर से कोई हेल्प चाहिए, अगर आपकी जो जॉब आप परफॉर्म कर रहे हैं उसमें अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है उसमें, तो आप उसके साथ मुकम्मल जो मामला थे वो तय कर लें सारे. देन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर, मतलब कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है आपने.
एंड देन ट्रबल शूटर। ट्रबल शूटर मतलब वो भी विद इन द टीम जो प्रॉब्लम्स हैं, या अगर काम के दौरान कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो, जैसे आप ट्रबल शूटर का मतलब, तो आपको अगर आपने कभी जो अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं या अगर आप पीसी यूज़ करते हैं, तो जैसे कोई प्रॉब्लम आता है तो आप ट्रबल शूट करते हैं उसे, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट मीन्स। सो दिस वॉज इट। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज लीडरशिप इश्यूज इन द 21st सेंचुरी। नंबर वन, मैनेजिंग पावर। फाइव सोर्सेज ऑफ लीडर पावर आर एज फॉलोज: लेजिटिमेट पावर, कोर्सिव पावर, रिवॉर्ड पावर, एक्सपर्ट पावर एंड रेफरेंट पावर। लेजिटिमेट पावर कि जब कोई मैनेजर जो है वो लीडर बनता है तो उसके पास कोई लेजिटिमेट राइट होता है कुछ पावर्स को एक्सरसाइज करने का। इट कैन बी से नेम्ड एज अथॉरिटी। लेजिटिमेट पावर रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ द लीडर इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जब वो एक लीडर की पोजीशन में आता है तो उसके पास पावर वैसे ही आ जाती है। अथॉरिटेटिव लीडर ऑल्सो हैज द कोर्सिव एंड रिवॉर्ड पावर, ये दोनों आगे डिस्क्राइब की हुई हैं। बट लेजिटिमेट पावर इज ब्रॉडर एस्पेक्ट देन द कोर्सिव एंड द रिवॉर्ड पावर्स। नाउ व्हाट इज कोर्सिव पावर? इट इज अ पावर ऑफ कंट्रोल एंड गिविंग पनिशमेंट्स, मतलब आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज के ऊपर आपने कंट्रोल रखना है और उनको, उनके पास, आपके पास पनिशमेंट्स का भी राइट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग पावर टू सस्पेंड और डीमोट एन एम्प्लॉयज और असाइनिंग देम वर्क दे फाइंड अनप्लेजेंट और अनडिजायरेबल, मतलब अगर आपने किसी एम्प्लॉय को पनिश करना है तो आप उसे कोई ऐसा काम करवाएं जो कि वो पसंद नहीं करता। नेक्स्ट, रिवॉर्ड पावर। इट इज द पावर ऑफ गिविंग पॉजिटिव रिवॉर्ड्स। अ रिवॉर्ड कैन बी एनीथिंग लाइक बोनसेस, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, प्रेफर्ड वर्क शिफ्ट, इंटरेस्टिंग वर्क असाइनमेंट्स एटसेट्रा। नेक्स्ट, एक्सपर्ट पावर। ये आपके पास जो है एक्सपीरियंस के साथ साथ आती है, मतलब आपके पास जो तजर्बा होता है वो एक आपकी पावर होती है। जाहिर बात है, अगर आपके पास तजर्बा होगा तो लोग आपसे पूछेंगे कि यार ये काम कैसे करना है सर, ये काम कैसे करना है। इट इज बेस्ड ऑन स्पेशल स्किल्स, नॉलेज और एक्सपर्टीज। इफ एन एम्प्लॉई हैज थ्री दीज स्किल्स विच इज क्रिटिकल टू अ वर्क ग्रुप, दैट पर्सन एक्सपर्ट पावर इज इनहेंस्ड। नेक्स्ट, रेफरेंट पावर। ये मैंने आगे एग्जाम्पल लिखी हुई है, एग्जाम्पल से ये थोड़ा सा ये समझ आ जाएगा। इफ मिस्टर ए लाइक मिस्टर बी एंड वॉन्ट टू वर्क विद हिम, मतलब एक मिस्टर ए मिस्टर बी को पसंद करता है और चाहता है कि वो मिस्टर बी के साथ काम करे, देन मिस्टर बी कैन एक्सरसाइज हिज पावर, मतलब ये जो मिस्टर बी है वो अपनी पावर को यूज करता हुआ मिस्टर ए को अपने साथ एसोसिएट कर लेगा ताकि वो उसके साथ काम कर सके। दिस इज द रेफरेंट पावर। नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपिंग ट्रस्ट। इन टूडेज वर्ल्ड डेवलपिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इज सो इंपॉर्टेंट एंड बोथ कैन इजिली बी डैमेज्ड, मतलब लोग जितना आप पे ट्रस्ट करते हैं, अगर आपकी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है आपसे तो वो डैमेज भी हो सकता है। क्रेडिबल लीडर्स आर ऑनेस्ट, कॉम्पिटेंट एंड वर्दी ऑफ फॉलोअर्स ट्रस्ट, मतलब वो इतनी वर्थ रखते हैं कि जो फॉलोअर्स हैं वो उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकें, एंड एबिलिटी टू इंस्पायर कि वो इंस्पायर भी करते हैं अपने फॉलोअर्स को। दे कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली। द बिलीफ इन द इंटेग्रिटी कैरेक्टर एंड एबिलिटी ऑफ लीडर इज ट्रस्ट। फॉलोअर्स ट्रस्ट अ लीडर बिकॉज दे नो दैट देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट विल नॉट बी अब्यूज्ड। फॉलोअर्स क्यों लीडर पर ट्रस्ट करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि जो उनका लीडर है वो उनके राइट्स की हिफाजत करेगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा, राइट्स को, इंटरेस्ट को, और उनको अब्यूज नहीं होने देगा, उनको मतलब डिक्लाइन नहीं होने देगा उन्हें। फाइव डायमेंशंस दैट मेकअप द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्ट आर एज फॉलोज: इंटेग्रिटी, ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी। मतलब व्हाट इज इंटेग्रिटी? इंटेग्रिटी इज ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी। सेकंड, कॉम्पिटेंस, टेक्निकल एंड इंटरपर्सनल नॉलेज एंड स्किल्स। कंसिस्टेंसी, मतलब कितना कंसिस्टेंट है। प्रिडिक्टेबिलिटी उसमें होनी चाहिए कि वो प्रिडिक्शन कर सके। गुड जजमेंट एंड हैंडलिंग सिचुएशंस एंड रिलायबिलिटी। लॉयल्टी आ जाती है। विलिंगनेस टू प्रोटेक्ट अ पर्सन इमोशनली एंड फिजिकली।
ओपननेस, विलिंग टू शेयर हिज आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन फ्रीली. फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर्स हैव टू ट्रस्ट देयर एम्प्लॉयज टू फुलफिल देयर वर्क एंड वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मैनेजर्स को अपने जो मैनेजर्स एंड लीडर्स दोनों को अपने एम्प्लॉयज के ऊपर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि जो उनके एम्प्लॉयज हैं या जो जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करेंगे. एंड एम्प्लॉयज हैव टू ट्रस्ट मैनेजर्स टू ट्रीट देम फेयरली. और एम्प्लॉयज को भी ट्रस्ट होना चाहिए अपने मैनेजर्स या लीडर्स के ऊपर कि वो उनको फेयरली ट्रीट करेंगे. रिसर्चर्स हैव शोन दैट फॉलोअर्स ट्रस्ट ऑन लीडर्स रिजल्ट इन पॉजिटिव जॉब आउटकम्स, परफॉर्मेंस, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट. एक्शंस दैट अफेक्ट द ट्रस्ट आर डाउनसाइजिंग, फाइनेंशियल चैलेंजेस, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज. मतलब एक कंपनी का जो अगर जो एम्प्लॉयज हैं वो ट्रस्ट करना कम करते हैं अपने फॉलो अपने मैनेजर्स पे या लीडर्स पे, तो उनकी रीजंस क्या होती हैं? डाउनसाइजिंग, क्योंकि वो अपने आप को अनसेफ फील करते हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट्स. अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, ओनली 39% इन द यूएस, 51% इन द कैनेडियन एम्प्लॉयज ट्रस्ट देयर लीडर्स. मतलब ये रेशियो बहुत कम है. सो इन टूडेज वर्ल्ड बिल्डिंग ट्रस्ट इज नॉट एन ईजी जॉब. नेक्स्ट इज एम्पावरिंग एम्प्लॉयज. मैनेजर्स आर इंक्रीजिंगली लीडिंग बाय एम्पावरिंग देयर एम्प्लॉयज. दिस इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉयज. मतलब आपने एम्प्लॉयज को थोड़ी बहुत डिसीजन मेकिंग पावर दे दी ताकि जो प्रोसेस है वो जल्द से जल्द कंप्लीट किया जा सके. इन टूडेज वर्ल्ड मैनी एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉय टीम्स आर मेकिंग एसेंशियल डिसीजंस विच डायरेक्टली इफेक्ट देयर वर्क. जो कि उनके काम को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं. दे डू बजटिंग, स्केजुलिंग, वर्कलोड्स, सॉल्विंग क्वालिटी प्रॉब्लम्स, कंट्रोलिंग इन्वेंट्रीज एंड अदर इंपॉर्टेंट डिसीजंस विच वर वंस द पार्ट ऑफ द मैनेजर्स जॉब. दिस इंक्रीज द पेस ऑफ वर्क. जो पेस ऑफ वर्क है वो तेज हो जाता है इससे. फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर अगर किसी शॉप पे जाता है या किसी आउटलेट पे जाता है और वो सेल्समैन से कोई रिक्वेस्ट करता है किसी कोई चीज मंगवाने की या कोई चीज परचेज करने के लिए, और वो सेल्समैन को काम कर सकता है, तो उसको जरूरत नहीं है अपने मैनेजर से वो इजाजत लेने की. ही हैव द डिसीजन मेकिंग पावर. वो सिर्फ कस्टमर को फैसिलिटेट करे ताकि कस्टमर जो है, टू मेक द कस्टमर हैप्पी. कस्टमर हैप्पी दैट मीन्स कि आपका वो कस्टमर रिटेन हो गया परमानेंट. लेकिन अगर आप उसको वेट करवाएंगे, अगर आप उसे लॉन्गर वेट करवाएंगे और अगर आपका जो कंपेटिटर है अगर उसको जल्दी सर्विस दे रहा है तो ऑब्वियसली वो आपके पास तो नहीं आएगा. वन रीजन इज वाई, एक तो हो गया कि पेस ऑफ वर्क. सेकेंड, वन रीजन वाई ऑर्गेनाइजेशन आर एम्पावरिंग देयर एम्प्लॉयज इज टू गिव द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू लोअर स्टाफ बिकॉज दे आर मोर नॉलेजेबल. अब फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं, ये टेलकोज हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं, इनमें जो फ्रंट एंड हैं, जो जिनका कस्टमर एक्सपीरियंस है, जो कस्टमर्स को फेस करते हैं, एक तो कॉल सेंटर वाले एम्प्लॉयज हैं, दूसरे सर्विस सेंटर वाले एम्प्लॉयज हैं. अब ओनर को क्या पता कि नीचे क्या हो रहा है या उसने कैसे सर्विस देनी है, तो थोड़े बहुत डिसीजन मेकिंग पावर ये एजेंट्स के पास होते हैं ताकि वो क्विक डिसीजंस ले सकें और जो कस्टमर है उसको सेटिस्फाई कर सकें एज दे आर डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर्स और वर्क. इवन आप अगर ये अगर कोई फैक्ट्री है, अगर कोई इंडस्ट्री है, उसमें अगर कोई मैकेनिकल काम आ जाता है तो अब ओनर को तो नहीं पता ना कि वो उसको कैसे रिजॉल्व करना है. या इवन जो मैनेजर है उसको नो डाउट उसको पता है, लेकिन उसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में चीज़ें पता है ना. लेकिन जो डे टू डे में छोटी छोटी जो चेंजेस आती हैं उनको कैसे ट्रीट करना है, वो जो लोअर स्टाफ होता है वो क्योंकि डायरेक्टली उसके साथ इंटच होता है और डायरेक्टली उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, इसलिए वो ज़रा ज़्यादा यूज टू हो चुका होता है उन चीज़ों का. नेक्स्ट, लीडिंग अक्रॉस कल्चर्स. कल्चर्स वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन. नो डाउट कि कल्चर जो है वो थोड़े से रीजन के बाद चेंज हो जाता है. इफेक्टिव लीडर्स डू नॉट यूज सिंगल लीडरशिप स्टाइल. एक लीडरशिप स्टाइल इफेक्टिव नहीं होता समटाइम. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो केपी में और होगा, पंजाब में और होगा, सिंध में और होगा और बलोचिस्तान में और होगा. इवन पंजाब में भी जो डिफरेंट रीजन्स हैं वहां पे भी वेरी कर सकता है. दे एडजस्ट देयर स्टाइल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. नेशनल कल्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल इन डिटर्मिनिंग विच लीडरशिप स्टाइल विल बी सुटेबल बिकॉज इट इन्फ्लुएंस हाउ फॉलोअर्स विल रिस्पॉन्ड. इन एशिया मैनेजर्स प्रेफर हु आर कॉम्पिटेंट डिसीजन मेकर्स
सपोर्टिव ऑफ एम्प्लॉयज एंड इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स, मतलब एशिया के जो मैनेजर्स हैं वो कैसे लीडर रखना पसंद करते हैं, जो कॉम्पिटेंट हो डिसीजन मेकिंग में, सपोर्टिव ऑफ एम्प्लॉयज हो एंड इफेक्टिव कम्युनिकेटर हो. फॉलोअर्स डोंट चूज देयर स्टाइल रैंडमली. अच्छा यहाँ पे ये फॉलोअर्स नहीं है, यहाँ पे लीडर्स है, इसको मैं यहाँ पे करेक्ट कर दूंगा. वेरी सॉरी, आई विल मेक इट करेक्ट. इट्स लीडर्स, इट्स नॉट फॉलोअर्स. लीडर्स डोंट चूज देयर स्टाइल रैंडमली, मतलब लीडर ऐसे ही कोई स्टाइल चूज नहीं कर लेता, बट उसे कल्चरल कंडीशंस को देख के तो अपना स्टाइल चूज करना पड़ता है. वंस अगेन, इट्स नॉट फॉलोअर्स, इट्स लीडर्स. ग्लोब, GLOBE, ग्लोबल लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इफेक्टिवनेस, फाउंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स विच आर विजन, प्रोवाइडिंग इनकरेजमेंट, फोरसाइट, डायनामिज्म, ट्रस्टवर्थीनेस, प्रोएक्टिवनेस, पॉजिटिवनेस. ऑन द बेसिस ऑफ दीज फाइंडिंग्स, ये जो ऊपर वाले फाइंडिंग्स हैं, टू मेंबर्स ऑफ द ग्लोब कंक्लूडेड दैट, मतलब ग्लोब के ही दो मेंबर्स ने कंक्लूड किया कि इफेक्टिव बिजनेस लीडर्स इन एनी कंट्री आर एक्सपेक्टेड बाय देयर सबऑर्डिनेट्स, मतलब सबऑर्डिनेट्स उनसे क्या चाहते हैं, टू प्रोवाइड अ पावरफुल एंड प्रोएक्टिव विजन टू गाइड द कंपनी इन टू फ्यूचर, मतलब एक विजन दें, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल स्किल्स टू स्टिम्युलेट ऑल एम्प्लॉयज टू फुलफिल द विजन, मतलब अपने एम्प्लॉयज को भी आपने स्टिम्युलेट करना है, एंड एक्सेलेंट प्लानिंग स्किल्स टू असिस्ट इन इम्प्लीमेंटिंग द विजन. नेक्स्ट में कुछ डिफरेंट कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उनकी खसूसियात हैं, एक दो देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोरियन लीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी पैटर्नलिस्टिक एंड टूवर्ड द एम्प्लॉयज, मतलब वो सजा वगैरह दे लेते हैं आराम से और बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं. अरब लीडर्स आर वेरी जेनरस, जैसे कि मशहूर है हर तरफ वैसे भी. जापानीज लीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी हम्बल, बहुत पोलाइट एंड स्पीक फ्रीक्वेंटली. मलेशियन लीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू शो कंपैशन वाइल यूजिंग मोर ऑफ एन ऑटोक्रेटिक देन अ पार्टिसिपेटिव स्टाइल, मतलब ये ज्यादा ऑटोक्रेटिव होते हैं, मतलब ये ज्यादा अथॉरिटेटिव होते हैं. इफेक्टिव जर्मन लीडर्स आर इफेक्टिव जर्मन जर्मन लीडर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टराइज्ड बाय हाई परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, लो कंपैशन, लो सेल्फ प्रोटेक्शन, लो टीम ओरिएंटेशन, हाई ऑटोनॉमी एंड हाई पार्टिसिपेशन. ऑटोनॉमी भी ज्यादा होती है और पार्टिसिपेशन भी ज्यादा होती है. लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज बिकमिंग एन इफेक्टिव लीडर. ऑर्गेनाइजेशंस नीड लीडर्स, नो डाउट. देर आर टू इश्यूज विच आर रिलेटेड विद बिकमिंग एन इफेक्टिव लीडर, आर लीडर ट्रेनिंग एंड सब्स्टिट्यूट फॉर द लीडरशिप. नंबर वन, लीडर ट्रेनिंग. ऑर्गेनाइजेशंस आर स्पेंडिंग बिलियन ऑफ डॉलर्स ऑन लीडरशिप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. लीडरशिप ट्रेनिंग्स आर मोर सक्सेसफुल विद द इंडिविजुअल्स हु आर सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ मोनिटर्स देन विद लो सेल्फ मॉनिटर्स. अच्छा ये देन नहीं है, ये देन है, TH-AN. मतलब जो लीडरशिप ट्रेनिंग्स हैं वो किन के लिए ज्यादा इफेक्टिव हैं, जो हाई सेल्फ मॉनिटर्स हैं बजाय इसके कि जो लो सेल्फ मॉनिटर्स हैं, बिकॉज दे आर फ्लेक्सिबल एंड कैन एडजस्ट देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. इंडिविजुअल्स हु आर मोटिवेटेड टू लीड गेट मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. मतलब एक कंपनी है, जो बड़ी कंपनीज है इवन इन पाकिस्तान, दे स्पेंड अलॉट इन द लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और उनके वो उनको वीडियोस उनको मिल जाती हैं जो उन्होंने कोर्सेज करने होते हैं, और उसकी बेसिस पे उनकी प्रमोशंस भी होती हैं, ड्यू होती हैं. तो जो अगर कोई एम्प्लॉई है हु इज मोर मोटिवेटेड, तो जो मैनेजमेंट है उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में जाने के लिए. वॉट कैन बी लर्न टू बिकम इफेक्टिव लीडर्स आर विजन क्रिएशन, ट्रस्ट बिल्डिंग, सिचुएशन एनालिसिस, इवेल्यूएटिंग सिचुएशंस, हाउ टू मॉडिफाई सिचुएशंस टू मेक दम बेटर फिट विद लीडरशिप स्टाइल, मेंटरिंग एंड
टू असेस विच लीडरशिप बिहेवियर विल बी मोर सुटेबल इन द गिवन सिचुएशन। तो ये वो चीजें हैं जो कि एक इंसान सीख सकता है। नाउ सब्स्टिट्यूट फॉर द लीडरशिप, सब्स्टिट्यूट क्या है? सम लीडरशिप स्टाइल्स विल ऑलवेज बी इफेक्टिव इन ऑल द सिचुएशन बट लीडर मे नॉट ऑलवेज बी इंपॉर्टेंट। लीडरशिप स्टाइल्स जरूरी हो सकते हैं लेकिन लीडर जरूरी नहीं हो सकता इन सम सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल फॉलोअर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर जो फॉलोअर है वो हाईली प्रोफेशनल है, ट्रेंड है, एक्सपीरियंस्ड है, एंड नीड फॉर इंडिपेंडेंस कैन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द लीडरशिप। मतलब वहां पे लीडरशिप की जरूरत नहीं है आपको। और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, सच एज रिजिड रूल्स हैं, फॉर्मलाइज्ड गोल्स हैं एंड प्रोसीजर्स और कोएसिव वर्क ग्रुप्स कैन सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉर्मल लीडरशिप। मतलब यहां पे भी इस केस में भी लीडरशिप की जरूरत नहीं है। ये आपका यहां पे कंप्लीट जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है।